नमस्कार, किस्मत की बात संदीप कोचर के साथ में आपका स्वागत है। जिंदगी तो वक्त से एक गुजारिश कर दे, कुछ लम्हे में भी जी लूं ऐसी सिफारिश कर दे। यूं तो गुजर जाएगी जिंदगी बेफिक्री में अपनी, यूं तो गुजर जाएगी जिंदगी बेफिक्री में अपनी, कुछ हसरतें पूरी कर लूं ऐसी साजिश कर दे। जी हां दोस्तों, ऐसा ही होता है हमारे साथ। हम चाहते कुछ और हैं, होता कुछ और है, और फिर हमें समझ में नहीं आता कि आखिर ये हो क्यों रहा है। और इसी का नाम जिंदगी है, क्योंकि जब इंसान पैदा होता है उसी समय उसकी सारी प्रोग्रामिंग सेट हो जाती है। यानी जिसकी ज्योतिष की हम बात कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी की जो हम बात कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन साइंस है। 5000 साल पहले जो ऋषि मुनियों ने गणना की थी वो आज तक वैलिड है। ना सेटेलाइट थे, ना टेलीस्कोप थे, और उसके बावजूद जो भी डिस्टेंस है हर प्लैनेट का सन से या धरती से, शनि है चाहे जो नजर में नहीं आता है, और लोग शनि से ही डरते हैं। शनि ब्रांड एम्बेसडर है एस्ट्रोलॉजी का, जैसे अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के हैं, और उसी से इंसान सबसे ज्यादा डरता भी है। तो वो सितारे जो हमारे आंखों से नजर भी नहीं आते, उनका हमारे जिंदगी पे इतना गहरा असर कैसे होता है। कई लोग हैं जो ज्योतिष पे बिलीव नहीं करते, कई लोग ऐसा भी हैं जो ज्योतिष पे अंधविश्वास भी करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद कोई उपाय करेंगे और उनकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन यहां पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे शो में पहले तो किसी भी अंधविश्वास की बात नहीं होगी, क्योंकि इंसान एक ही चीज से अपनी जिंदगी को बदल सकता है, वो है आत्मविश्वास, यानी खुद और खुदा पर यकीन। तो जो इंसान स्पिरिचुअल होता है, जो इंसान मेडिटेट करता है, आराधना करता है, साधना करता है, विपासना करता है, उसको सच मायने में किसी भी ज्योतिषी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो समझ जाता है कि जिंदगी में जो होना है वो तो होकर रहेगा। और मेरा भी यही मानना है कि द डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ इज ऑलरेडी डिस्टेंट फ्रॉम द डे वन टू द लास्ट डे, यानी जिंदगी की कहानी पहले ही लिखी जा चुकी है। तो अगर सब कुछ पहले लिखा जा चुका है तो हम कर क्या रहे हैं। लेकिन ज्योतिष में सबसे बड़ी लाइन है कर्म प्रधान है, यानी आपकी इनिशिएटिव, आपकी प्लानिंग, आपकी सोच और आपकी कोशिश आपके सितारों को बदल भी सकती है। यानी अब क्या इंतजार करें सितारों के बदलने का, जब तुम नहीं बदले तो तकदीर कैसे बदलेगी। यानी इंसान को बदलना ही है, और गीता में भी कहा गया है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो आइए इस शो के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारी जिंदगी में चल क्या रहा है और कब तक चलेगा, और कैसे हम अपनी जिंदगी में वो बदलाव लेकर आए जिससे हमारी जिंदगी और बेहतर हो जाए और जो भी हमारी मंजिल है उस तक हम पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं अपने राशि के सिलसिले को, और हमेशा की तरह सबसे पहले बारी आती है मेष राशि की, यानी एरीज। तो एरीज की शुरुआत कैसे हो रही है? एरीज की शुरुआत खुद से हो रही है। खुद मतलब चंद्रमा आपकी ही राशि के ऊपर है। जब राशि के ऊपर चंद्रमा होता है तो इंसान का थोड़ा सा फोकस खुद की तरफ हो जाता है, यानी आज मेरी खुद से पहचान हो गई। और ये बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन, यू नो, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। यानी इंसान अपने बारे में जान ही नहीं पाता है, क्योंकि जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वही सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर इंसान थोड़ा सा अपने बारे में चिंतन करे, अपनी वीकनेसेस को जानने की कोशिश करे, और ये पहचानने की कोशिश करे कि आखिर उसकी जिंदगी में ये ऑब्स्ट्रक्शन क्यों आ रहे हैं, कहीं उनका खुद का बिहेवियर तो आड़े नहीं आ रहा है। तो अगर इंसान अपने आप को पहचान जाता है तो उसकी जिंदगी आसान हो जाती है। तो मेष राशि के बारे में ये कह सकता हूं कि यहां पे आपको रिश्तों में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि मंगल एक ऐसा प्लैनेट है जो आपका ही रूलर है और वो आपके सातवें घर में विचरण कर रहा है। तो सातवें घर में मंगल आने से रिश्तों में दरार आने की संभावना बढ़ जाती है। तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाइए, हंसी मजाक करिए, दोस्ती का माहौल बनाकर रखिए, ताकि कोई भी किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी हावी ना होने पाए। दूसरी बात है कि राहु का चौथे घर में चल रहा है ट्रांजिशन आपकी राशि के हिसाब से, तो आपको डाउट क्रिएट होता चला जा रहा है कि ऐसा तो नहीं कि ऐसा हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो कई बार कहते हैं कि दुविधा में दोनों गए, ना माया मिली ना राम। तो यू हैव टू बी इन ऑप्टिमिस्टिक स्टेट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी बात मैं कह सकता हूं, आज का दिन आपको अचानक धन लाभ देने की कोशिश भी करेगा। उसकी वजह यह भी है क्योंकि सूर्य और शुक्र आपके आठवें घर में चल रहे हैं, विच इज ए ग्रेट थिंग टू हैव। यानी अचानक कोई धन लाभ की संभावना हो सकती है। टॉरियंस की शुरुआत हो रही है ट्रैवलिंग के साथ। तो जो लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि कैसे आपका यू नो बाहर जाने का नंबर आएगा, कैसे आपको वीजा मिल जाएगा, तो ये खुशखबरी आज आपको मिल सकती है।
दूसरी बात यह है कि नए एसोसिएशन आपके हो सकते हैं, नए संबंध आपके बन सकते हैं, कोई पार्टनरशिप की अगर आप प्रतीक्षा कर रहे थे उसमें भी आपको सफलता मिलने की चांसेस है। राहु तीसरे घर में चल रहा है जो आपकी इनिशिएटिव को बढ़ा रहा है, यानी अब आपको लग रहा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं और मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, और कोशिश करने वालों की वैसे भी कभी हार नहीं होती। अगली राशि है मिथुन राशि यानी कि जेमिनी। मिथुन राशि की शुरुआत हो रही है नेटवर्किंग के साथ, और वैसे भी मिथुन राशि इनका खुद का मालिक बुध है, वो नेटवर्किंग पे ही बिलीव करते हैं। तो जितने आपके संबंध मजबूत होते जाएंगे, जितना आप दोस्ती बढ़ाते जाएंगे, उतना आपके लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि चंद्रमा आपके 11वें घर में चल रहा है, द हाउस ऑफ गेन्स, सो लॉट ऑफ गेन्स विल कम टू यू। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंसान लाभ की कामना तो करता ही हमेशा। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग एजुकेशन में हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा वक्त चल रहा है। तो अगर आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं, स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो दिस इज द टाइम व्हेन यू माइट गेट सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप नया कोई कॉलेज ढूंढ रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलने की पूरी पूरी संभावना यहाँ पे बनी हुई है। रिश्तों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये बात मैं आपको लगातार बताता रहूंगा, क्योंकि शनि का आगमन हो चुका है 26 अक्टूबर से आपके 7वें घर में, और शनि जो है वो रिलेशनशिप के घर में जब भी आता है तो थोड़ी सी दरार बढ़ा देता है, थोड़ी सी कोल्डनेस बढ़ जाती है, और इंसान छोटी छोटी बातों में तकरार की वजह से डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा हंसी मजाक करिए, जैसे मैंने आपको कहा, बाकी कहीं भी कोई टेंशन नहीं है। अगली राशि हमारी कर्क राशि यानी कैंसर। कैंसरियन पीपल दे आर सपोज टू बी द मोस्ट केयरिंग एंड सेंसिटिव पीपल, क्योंकि चंद्रमा आपका रूलर है, और चंद्रमा यानी इमोशन। तो ऐसे लोगों को मैं तो हमेशा ऐसा कहता हूं कि अगर आपकी वाइफ कर्क राशि की है, तो ये वो वाइफ है जिससे शादी के बाद आपको माँ की भी याद नहीं आएगी, यानी द केयर एंड लव विल बी 10/10। लेकिन इसका एक फ्लिप साइड भी है, क्योंकि जितने लोग भी चंद्रमा से रूल्ड हैं, वो छोटी छोटी बातों पर हर्ट भी हो जाते हैं। तो हमेशा ऐसे लोगों को मैं जरूर कहता हूं कि आपको थोड़ा सा मेडिटेशन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। तो जितना आप स्पिरिचुअल क्वेश्चन को बढ़ाएंगे, ऊपर वाले पे यकीन रखेंगे, डेली पूजा पाठ करेंगे, तो उतनी आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। दूसरी बात, यहाँ पे मंगल आपके 4वें घर में आ गया है, तो वो थोड़ा सा रेस्टलेस बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन क्योंकि गुरु भी तुला राशि में चल रहा है, जो आपका 4था घर है, और 4था घर होता है हमारी प्रॉपर्टीज का, तो कर्क राशि के जितने भी लोग हैं जो खुद का मकान बनाना चाहते हैं, लेकिन मकान से ज्यादा आप घर बनाने में बिलीव करते हैं, क्योंकि घर में इमोशंस जुड़े होते हैं, तो वक्त आपका शुरू हो चुका है, एंड आई थिंक यू माइट गेट सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। करियर में कुछ ना कुछ बेहतरी जरूर होगी, और कोई अवार्ड, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, या मैं कहूँ प्रमोशन, जिसका इंतजार आप पिछले कई महीनों से कर रहे थे, तो वो वक्त आ चुका है। तो आई थिंक कर्क राशि के लिए आज का दिन बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है। अब बात करते हैं सिंह राशि की यानी कि लियो। सिंह राशि, बहुत कुछ करने की फिराक में आप, उसकी वजह यह भी है क्योंकि आपका जो रूलर है वो वृश्चिक राशि में आ गया है, और वो कह रहा है कि कुछ बदलाव करना चाहते हैं आप, तो या तो आप चाहते हैं या बदलाव हो जाएगा। तो कहते हैं एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, यानी कई बार चीज़ें अचानक भी जिंदगी में जुड़ जाती हैं, तो आई थिंक दिस इज अ गुड थिंग। दूसरी बात है कि मंगल का आगमन हुआ है अभी अभी आपके 3रे घर में, और 3रे घर में जब मंगल आता है तो वो इंसान की इनिशिएटिव को बढ़ा देता है, यानी अब जो आपको लग रहा था कि आपके बस की बात नहीं है, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप वो चीज़ को करने में कामयाब हो जाएंगे, तो यानी कोशिश आपको करनी चाहिए। तीसरी बात है, सिंह राशि के लोग जो बहुत दिनों से, या मैं कहूँ कि सालों से इंतजार कर रहे थे कि आखिर आपकी शादी कब होगी, तो सिंह राशि वाले जो शादी करना चाहते हैं और बैचलर हैं, उनकी शादी के सारे रास्ते खुल चुके हैं। तो खोल दीजिए वो खिड़की और दरवाजे, क्योंकि कभी कभी सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा भी रहता है, तो अगर आपने वो खिड़की नहीं खोली तो आपको नजर कोई नहीं आएगा। यानी लोग पूछते हैं कि मेरी शादी कब होगी, और मैं उनसे ये पूछता हूं कि आप करना चाहते हैं, तो विलिंगनेस बहुत जरूरी है, और ज्योतिष में भी कहा जाता है देयर इज ऑलवेज ए कंडीशन अप्लाइड, कि आपका वांट होना बहुत जरूरी है, तो आप लोग तैयारी रखिए। तीसरी बात, मैं आपसे ये कह सकता हूं कि धर्म से रिलेटेड, यानी आपका जो भी मजहब है, जो भी आप रिलीजन को फॉलो करते हैं, वहां आपका जितना जुड़ाव बढ़ेगा उतनी आपकी एनर्जीज आपके साथ जुड़ जाएंगी, और आपको सक्सेस जो है वो मिल जाएगा। विदेश से रिलेटेड भी आपके कई काम हो सकते हैं, और जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, या आपकी ट्रैवलिंग है, तो आपकी ये गतिविधियां बढ़ जाएंगी और वो आपको और सक्सेस दिलाएंगी। अब बारी है कन्या राशि की यानी वर्गो।
वर्गो की शुरुआत थोड़ी सी नेगेटिव सोच के साथ हो रही है, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आई बिलीव इन अफर्मेशंस। वो क्या होता है, जैसा इंसान सोचता है वैसा ही उसका माहौल बन जाता है। यानी अगर आपको लग रहा है कि आज का दिन मेरा कैसा रहेगा मैं पंडित जी से पूछ लूं, तो पंडित जी आपको नहीं बताएंगे, आपका माइंड आपको बताएगा, आपका मन आपको बताएगा कि आप कैसा फील कर रहे हैं। तो कम से कम सुबह उठते ही आप पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचिए, अच्छी चीजों के बारे में सोचिए, अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ने के बारे में प्लान करिए, ताकि आने वाला पूरा दिन आपके साथ वो पॉजिटिविटी आपके मन के साथ जुड़ के रहे और आपको सफलता मिल जाए। क्योंकि आज का दिन आप कुछ नेगेटिव सोचने की वजह से खुद ही लो फील कर रहे हैं, विच इज नॉट ए ग्रेट थिंग। लेकिन हाँ, एक चीज मैं जरूर मैं जोड़ सकता हूं कि अगर ऐसा दिन है तो क्या करें, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, थोड़ी देर 10 मिनट मेडिटेट कर लीजिए। मेडिटेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, लोग विपासना करने जाते हैं, लेकिन आराधना, साधना और विपासना, इसमें एक चीज है कि आप अगर अपने आप को एकाग्र कर लें, यानी अगर आपका फोकस बढ़ा लें, कॉन्सेंट्रेट कर लें। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक लाइट को विजुलाइज कर लीजिए बिटवीन योर आईब्रोज 10 मिनट। आप यकीन मानिए जो एनर्जी आप फील करेंगे वो आपके पूरे दिन को बना देगी। तीसरी बात मैं ये कह सकता हूँ कि ट्रैवलिंग अगर आप करना चाहते हैं तो उसका भी वक्त चल रहा है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि दिन तो बहुत खूबसूरत रहेगा, खाली आप अपने चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान लेकर आए। लिब्रा की जो सबसे बड़ी खासियत है कि वो अपने आप को खास समझते हैं। यानी अगर कोई कहीं पे स्टाइल के साथ चल रहा है, स्टाइल के साथ बैठा है, उसका वार्डरोब बहुत खूबसूरत है, तो वो तुला राशि के लोग हैं, बिकॉज आपका रूलर शुक्र है। और शुक्र का मतलब एंटरटेनमेंट है, ग्लैमर है, फैशन है, और यही आपकी एक सबसे बड़ी पहचान है। आज का दिन थोड़ा सा एग्रेशन पे आपको काबू रखना पड़ेगा, यानी छोटी सी बात पे आप रिएक्ट कर सकते हैं। तो अगर ये बात आपको पता है तो गहरी सांस लीजिए और रिएक्ट करने से पहले थोड़ा सा सोच लीजिए कि कहीं आपके कुछ कहने की वजह से, आपके कुछ रिएक्ट करने की वजह से आपके संबंध बिगड़ ना जाएं। तो ये आपको थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। और वैसे भी सातवें घर में चंद्रमा है आपके, तो सातवां घर होता है रिलेशनशिप का, तो रिलेशनशिप से आपको फायदा भी हो सकता है। तो एक ऐसी मुलाकात आपकी किसी अनजान इंसान से हो सकती है जो आपका पार्टनर बन सकता है, और पार्टनर कौन सा, बिजनेस पार्टनर भी और लाइफ पार्टनर भी, क्योंकि तुला राशि की भी शादी का जो योग है वो शुरू हो चुका है 12 सितंबर से, जब से गुरु का गोचर आपके चांद के ऊपर आया है। तीसरी बात, आपको अचानक धन लाभ होने की भी संभावना है, तो अगर जो फाइनेंसिस का इंतजार आप कर रहे थे उसमें आपको पूरा सक्सेस मिलने की संभावना है, यानी अनएक्सपेक्टेड गेंस मिलने की पूरे पूरे चांसेस हैं। 10th हाउस में राहु आकर आपके सपनों को और बढ़ाने के लिए कह रहा है, यानी दोज हु ड्रीम द मोस्ट डू द मोस्ट, तो कर गुजरिए आज आप। अगली राशि है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है वो मून बेस्ड है, तो जिसका भी चांद वृश्चिक राशि में होता है वो लोग बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, छोटी छोटी बातें उनको बॉदर कर जाती हैं, यानी कहा कुछ और, लगा कुछ और इंसान बुरा मान गया। और ऐसे में आजकल मैं बताऊं आपको, भागती दौड़ती जिंदगी में किसी के पास किसी के लिए भी वक्त है ही नहीं। तो ऐसे में जो इंसान हैप्पी रहता है, जो मुस्कुराता रहता है, उसके साथ पूरी दुनिया जुड़ जाती है, और जो इंसान नेगेटिव होता है, बुरा मान जाता है छोटी छोटी बातों में, उससे लोग दूर हो जाते हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा परिवर्तन आपको अपने अंदर लाना चाहिए। दूसरी बात, सूर्य का ट्रांजिशन आपके चांद के ऊपर आ गया है, 12 महीने में ऐसा होता है, और वो ये कह रहा है कि आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी दिला सकता है जो 12 महीने में आती है। यानी वृश्चिक वाले, ये वक्त आ गया है जिसमें आपको जो आप चाहते हैं उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, पॉजिटिविटी की तरफ आपको काम करना चाहिए। थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच हो सकता है क्योंकि शनि आपके सेकंड हाउस में चल रहा है, तो यहाँ पे कोई बात नहीं है ना, कहते हैं कि समटाइम अगर लिक्विडिटी नहीं भी है तो कोई बात नहीं, अगर इंसान अपने खर्चों को मैनेज कर ले और एक्सपेंसेस में थोड़ा सा कंट्रोल करे तो चीज़ें हैंडल भी हो सकती हैं, ये आपके साथ जरूर होगा। और कुछ नई चीज़ें होने की भी संभावना है, तो चलते रहिए फ्लो के साथ। अब आ रही है धनु राशि की यानी सैजिटेरियस। धनु राशि, दे आर द मोस्ट फोकस्ड पीपल ऑन प्लैनेट, क्योंकि धनु राशि का जो सिंबल है वो है धनुर्धर, यानी इंसान तीर चला रहा है। तो कहा जाता है कि डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट देन स्पीड, यानी आखिर आप निशाना लगा कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि आप कहाँ जा रहे हैं इसकी खबर आपको है ही नहीं, और ज्योतिष का सबसे बड़ा रोल यही है, वो आपको बता देता है कि वॉट टाइम यू आर रनिंग, क्या ये वक्त सही है, जो आपने सोचा क्या वो सही कर रहे हैं, और क्या जो आपका तरीका है वो सही है या गलत। यानी ज्योतिषी से अच्छा दोस्त आपका हो ही नहीं सकता। और धनु राशि की सबसे बड़ी बात यही है कि उनको ये पता है कि वो कहां जा रहे हैं।
आज का दिन आपके लिए प्यार और मोहब्बत से बड़ा हुआ है, यानी इंसान तो आप स्पिरिचुअल हैं लेकिन प्यार बांटते चलो, और प्यार ही जिंदगी का सबसे बड़ा आईना भी है। दूसरी बात, मंगल और गुरु आपके 11वें घर में चल रहे हैं और गुरु का जो ट्रांजिशन है वो पूरे अभी अगले आने वाले 10-11 महीने तक वहीं रहने वाला है, यानी लाभ होगा आपको बृहस्पति की वजह से। जिसका मतलब क्या हुआ कि आप एडवाइस करते रहिए, कोई मांगे या ना मांगे, यानी लोग आपकी तरफ देखेंगे और पूछेंगे भाई आप ही बताइए मैं क्या करूं। तो धनु राशि के लिए बहुत ही गोल्डन चांस है कि आप, अगर स्पेशली जो लोग टीचर्स हैं, जो लोग कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं, उनके लिए साल बहुत ही सिग्निफिकेंट रहने वाला है। तीसरी बात मैं आपको बता सकता हूं कि ज्यादा सोचिए मत, क्योंकि मर्क्यूरी का ट्रांजिशन आपके चांद के ऊपर आ गया है और बुध ग्रह जो है वो इंसान की प्लानिंग को रूल करता है। तो जब बुध का कनेक्शन चांद के साथ हो जाता है तो इंसान सोचता ही रहता है, तो ज्यादा सोचने की वजह से क्या होता है, कंफ्यूजन बढ़ जाता है, यानी आप सो रहे हैं कि सोच रहे हैं, और ज्यादा सोचने से इंसान खुद स्ट्रेस में आ जाता है। तो इंसान को लेट गो करना चाहिए। तो लोग भी कहेंगे क्या हो गया अचानक आपको, क्यों आप छोटी छोटी बातों में रिएक्ट कर रहे हैं, क्यों आप सोच रहे हैं, तो ये आप मेरी बात का थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तीसरी बात मैं ये कह सकता हूँ कि खर्चे बढ़ने की संभावना है, क्योंकि 12वें घर में शुक्र आ गया है एंड शुक्र इज द प्लैनेट ऑफ एंजॉयमेंट एंड प्लेजर्स। तो ठीक है, जिंदगी को इंसान को जीना भी चाहिए, एंजॉय करना भी चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंकुश लगा के चलिए, लगाम लगा के चलिए, तो आपके पैसे उतने खर्च नहीं होंगे जितने हो सकते हैं। और यहाँ पे चौथी बात ये भी है कि कुछ चीज़ें डिले से हो सकती हैं, तो थोड़ा सा आपको हौसला, थोड़ी सी तसल्ली रखनी पड़ेगी, क्योंकि कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। अब बारी है मकर राशि की, यानी कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन की सबसे बड़ी पहचान यह है कि उनको वो करना है जो आज तक किसी ने नहीं किया, यानी आई वॉन्ट टू गो वेयर नो मैन हैज गॉन बिफोर, और वो मैं नहीं बन। तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैं भी हमेशा ये सोचता हूँ कि भाई सोचेंगे नहीं तो होगा कैसे, और फिर करेंगे नहीं तो होगा कैसे, वो भी बहुत जरूरी है। और यहाँ पे करने का ही वक्त आ गया है। उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि बृहस्पति 10th हाउस में आ गया है और वो भी मंगल के साथ, और ये परिवर्तन की बात कर रहा है, यानी जब बड़े भारी भरकम ग्रह गुरु या शनि जैसे या कभी कभी राहु केतु वो जब भी केंद्र में आते हैं चंद्रमा से, तो कुछ डिस्प्लेसमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, आप चाहें या ना चाहें, यानी मकान और दुकान बदलने की संभावना बढ़ गई है। तो हो सकता है कि आप अपना घर बदल लें, ये तो अच्छी बात है। ये भी हो सकता है कि कोई परिवर्तन आपकी जॉब में हो जाए, और अगर जो लोग बिजनेस से रिलेटेड हैं उनके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि आप डाइवर्सिफाई करने के बारे में सोचेंगे, तो कोई नई ऐसी फील्ड जिसके बारे में आप सोच रहे थे उसके रास्ते खुल जाएंगे। अब बारी है हमारी कुंभ राशि की, यानी एक्वेरियस। और कुंभ राशि जिसका जो सिंबल है वो घड़ा है, और ये वो घड़ा है जो कभी भरता नहीं है, यानी डिजायर की कामना, लाभ की कामना हमेशा रखते हैं ऐसे लोग। दूसरी बात मैं कह सकता हूं कि यहां पर आपको गेंस मिलेंगे आईटी क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग लाइन से जुड़े लोग जुड़े हुए हैं उनको फायदा होगा, इवन मीडिया से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी कोई ब्रेकिंग न्यूज आ सकती है या कोई नई शुरुआत आपकी हो सकती है। सूर्य का आगमन आपके 10th हाउस में हो गया है, और 10th हाउस में जब भी सन आता है वो भी परिवर्तन की बात करता है, और परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीन राशि की बारी है, और मीन राशि के लिए थोड़ा सा संभल के आपको चलना पड़ेगा, स्पेशली थिंग्स रिलेटेड टू फाइनेंसेस, यानी यहाँ पे मुद्रा की बात हो रही है, और सेकेंड हाउस में जब चांद आता है तो वो थोड़ी सी परेशानियां बढ़ा देता है फाइनेंसेस या लिक्विडिटी से रिलेटेड। दूसरी बात मैं ये कह सकता हूँ कि 10th हाउस में शनि चल रहा है, और शनि जब भी 10th हाउस में आता है वो चीज़ों को डिले कर देता है, इसीलिए उसका नाम ही शनिचर रखा गया, शनि शनि यानी धीरे धीरे। तो एक दोहा था कबीर दास का, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा रुत आए फल होए, यानी वक्त से पहले तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। तो अगर आप थोड़ी सी तसल्ली रखेंगे तो सक्सेस आपको मिलेगा, और आपको फ्रस्ट्रेशन जो हो रहा है वो नहीं होगा। और नेटवर्किंग आप बढ़ाइए, क्योंकि 10th हाउस में बुध भी आ गया है, अचानक लाभ होने की संभावना आपकी भी है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि मीन राशि के लिए आज का दिन इवेंटफुल रहने वाला है। तो ये तो बात हुई आपकी 12 राशियों की, आपके आज के दिन की। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात, फिर से मिलेंगे इसी जगह इसी चैनल पर किस्मत की बात संदीप कोचर के साथ। नमस्कार।